जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि योर सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड योर फेलियर इज़ नॉट फैटल। तो पहले तो मैं कहूँ कि आज हमने थोड़ा ओपन एयर के अंदर सेटअप किया कि चले एक वीडियो थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी के अंदर वीडियो कवर कर रहे हैं। सो एंड सेकेंडली बात काम की है, सुनने वाली है तो ज़रूर सुने, सीखें। सो योर सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड योर फेलियर इज़ नॉट फैटल। फेलियर इज़ नॉट फैटल। कुछ बच्चे समझते हैं कि जी अगर हमें कामयाबी नहीं मिली तो हम फेल हो गए तो सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। वेरी फर्स्ट सक्सेस होती है। तो बताता चलूँ, योर सक्सेस इज़ नॉट योर फैटल। आप लोगों ने घबराना नहीं, उकताना नहीं, लगे रहना है, डटे रहना है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ मेहनत है, एफर्ट करते रहें। जब तक आपकी एफर्ट रहेगी तब तक आपके चांसेस ऑफ सक्सेस रहेंगे। अगर आपकी एफर्ट नहीं तो भाई सीन ही कोई नहीं है कि आप लोगों को कोई थोड़ी सी भी कामयाबी मिल जाए। तो द थिंग इज़ कि आप लोगों ने अगर कामयाब होना है, आप लोगों ने कभी भी ये नहीं समझना कि अगर फेल हो गए हैं तो आप एंड हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारे बच्चों का ये देखने में आया है कि थोड़ी सी भी अगर फेलियर होती है तो वो सब छोड़ देते हैं और बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना, आप लोगों ने कभी भी घबराना नहीं है, उकताना नहीं है, लगे रहना है, क्योंकि कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर बनती है जो लगे रहते हैं और डटे रहते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ, एक दफ़ा का जिक्र है। एक बंदा था, वो एक गार में बैठा हुआ था। उसने वो उसको हार हो गई थी, मेरे माइंड में उसका एग्जैक्ट नेम नहीं है, लेकिन एक बंदा कोई बहुत बड़ा था, उसकी आर्मी भी थी पूरी, तो उसको हमेशा जो है ना फेलियर मिलती थी। अब वो बहुत डिसअपॉइंटेड था और उसके सामने एक मकड़ी थी, ज़मीन से उसने अपने जाले तक पहुंचना था। और वो मकड़ी एक दफ़ा गई, आधे रास्ते पहुंच के नीचे गिर गई। उसने फिर कोशिश की, देन अटेम्प्टेड अगेन, और फिर उसने सफ़र शुरू किया अपना। वो फिर ऊपर गई, जाके नीचे गिर गई। नौ दफ़ा वो मकड़ी नीचे गिरी और दसवीं दफ़ा वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँची, अपने जाले तक पहुँची। उससे उसने सबक हासिल किया कि यार मुझे तो एक ही दफ़ा अभी हार हुई है, दो दफ़ा हुई है। इस मकड़ी को देखो, इसने ऊपर पहुंचने के लिए कॉन्टीन्यूसली एफर्ट की है, मेहनत की है, गिरी है, फिर उठी है, फिर गिरी है, फिर उठी है, लेकिन इसने अपनी जो है क्या कहते हैं हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मैं तो अभी से ही हार गया हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे पास आर्मी है, सब कुछ है। उसके बाद उस बंदे ने एफर्ट की, बंदा उठा और जाके उसने दोबारा से अपने एनिमी पे अटैक किया और कामयाबी उसका मुकद्दर बनी। तो कभी भी आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आपकी फेलियर आपका एंड हो गया है, अब आप लोग ख़त्म हो गए। नहीं, आप लोगों को कामयाबी एक सूरत में ना भी मिले तो दूसरी सूरत के अंदर उसका आपको रिवॉर्ड लाजमी मिलता है। कभी भी अल्लाह ताला अपने बंदों की मेहनत ज़ाया नहीं करता, ठीक है। हमेशा आपके चीज़ में हक में हर चीज़ बेहतर होती है। आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो और आपका रिटर्न क्या मिलना है आपको। रिटर्न की आपने टेंशन नहीं लेनी, जस्ट एफर्ट करते रहे। एंड द सेकंड थिंग इज़ सक्सेस इज़ नॉट फाइनल। सक्सेस हम लोग समझ लेते हैं, हर बंदे का सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। किसी की सक्सेस है भाई अब मुझे 10 लाख अर्न करना शुरू कर दिया, ये मेरी सक्सेस है। कोई समझता कि भाई मेरी शादी हो गई है मनपसंद इंसान से तो ये मेरी सक्सेस है। डिफरेंट सक्सेस के डेफिनेशन है हर किसी के। किसी का सक्सेस का डेफिनेशन फाइनल नहीं है, मतलब के क्या कहते हैं सेम नहीं है, हर किसी का अपना गोल होता है। लेकिन याद रखें, जो भी आपकी सक्सेस है, जो भी आपने अचीव किया, इट्स नॉट फाइनल। अगर आप लोग अपनी सक्सेस के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग लास्टिंग आपके पास हो सकती है। अगर एक चीज़ आज है तो ज़रूरी नहीं कल भी आपके पास हो। इसलिए कभी भी अपनी सक्सेस के ऊपर गुरूर ना करें, कभी भी अपने सक्सेस को फाइनल ना समझें, कभी भी उस पर इतराएं ना। बहुत सारे लोगों को जवाल आता है, किस वजह से आता है? क्योंकि अगर उनके पास एक चीज़ आ गई है, उन्होंने जिसके लिए स्ट्रगल की है, तो उसके आने के बाद वो अपने अंदर का इंसान बदल लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, समझते हैं भाई अब तो पता नहीं क्या हो गया है। तो कभी भी आप लोग अपने आप को मत भूलें। कहते हैं ना इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, तो वो अपनी औकात कभी ना भूले, तभी पॉसिबल है कि वो आपकी सक्सेस
आपके लॉन्ग लास्टिंग आप तक रहेगी, आप उसमें हमेशा कामयाब रहेंगे। आप दूसरों का फ़ायदा करें, दूसरों का अच्छा सोचें, आजिज़ रहें। जब आप आजिज़ रहेंगे ना तो अल्लाह आपको और देगा ना, और शुक्र अदा करते रहे। सो हो आई थिंक सो कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, उतार जाते हैं। तो डटे रहना है, लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, हार्ड वर्क भी करें, स्मार्ट वर्क भी करें, और टेक्निकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ज़िंदगी का कोई भी मोड़ है, कोई भी मकाम है, अगर आप लोग उसमें कंसिस्टेंट हैं ना तो कभी भी आपको उसमें पॉसिबल ही नहीं कि फेलियर मिले, आप लोग ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की कुछ बना, और मेरे साथ और कितनी एग्ज़ाम्पल जुड़ी हुई हैं, कितने लोग देखे हैं जो कुछ बने हैं। तो हर एक सक्सेस के पीछे एफर्ट ज़रूर होती है। हम दूसरों की कामयाबी देखते हैं, हमें नज़र आता है कि भाई इस बंदे ने यह तो अचीव किया है, उसके चर्चे होते हैं, सब कुछ होता है, बल्ले बल्ले होती है, लेकिन कभी हम पीछे की गेम नहीं देखते, उस बंदे ने कितनी सेक्रीफाइस की, कितनी एफर्ट की, रात को जागा, दिन को जागा, मेहनत की, मुश्किलों का सामना किया, सोसाइटी के टॉन्ट्स बर्दाश्त किए, एंड मैनी मोर। सक्सेस इज़ नॉट मेड ओवर नाइट, कभी भी कामयाबी रातों रात नहीं मिलती है आपको, उसके पीछे सालों साल लग जाते हैं, किसी को महीनों लगते हैं, किसी को साल लगते हैं। तो हर चीज़ के पीछे एफर्ट ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ख्याल रखिएगा अपना, गाँव में याद रखिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।